गुड मॉर्निंग। अब हम आ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी से मीनिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एटॉमिक रेडियस, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। इसके नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा। कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। आइसोलेटेड का मीनिंग आप इसके पहले देख चुके थे। आइसोलेटेड से मीनिंग ये है जो अकेला पड़ा हुआ एटम है उसी को हम बोलेंगे आइसोलेटेड। गैसियस स्टेट में वो एटम पर्टिकुलरली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया है, इसका गैसियस एटम लिया है और इसमें हम वन इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हैं। अब ये वन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, तो पहले इसके कन्फिगेशन पे चलें। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगेशन 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब अपना ऑक्टेट पूरा करेगा एंड फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन लाइक Cl- और ये भी गैसियस स्टेट में होगा, कन्फिगेशन 288। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप देखिए एनर्जी का लिब्रेशन होता है। इसके पहले आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, उस आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, यहां एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगा, निकल जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन होने की वजह से ये जो Cl- आयन है ये जो है ये मोर स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल क्यों है, बिकॉज इसका ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है इसलिए ये मोर स्टेबल है एंड ये 287 क्लोरीन एटम ये हमारा लेस स्टेबल है। एंड जो लेस स्टेबल हमारा होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। सपोज मान लीजिए इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, सपोज किया हमने 10 किलो जूल, एंड मोर स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम है, कम होने से मीनिंग 8 किलो जूल है। तो अब इस केस में यदि हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करें तो डेल्टा एच इक्वल्स टू HP-HR होता है। HP-HR से मीनिंग एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखिए कितना है, 8 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 10। तो वैल्यू कितनी आ रही है, -2। कहने का मतलब यहाँ जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली होगा। मतलब जब भी एनर्जी का लिबरेशन है तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, और जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसी पर्टिकुलर केस में एनर्जी का लिबरेशन हुआ इसलिए हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये होगी नेगेटिव। ये नॉर्मल हमने लिया है चेंज इन एंथैल्पी और वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फॉर्म में है तो बीच में लगा देंगे ईजी। ईजी से मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन और वो कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अब हम आते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये किस तरह से होगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आने से पहले इसकी यूनिट हम कंफर्म करें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट से वही है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी, किलो जूल मोल इनवर्स, ये हमारी यूनिट है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मीनिंग है लगातार दो या तीन जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आएंगे उन्हें हम बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये गैसियस स्टेट में है और इसमें हम वन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एंड वन इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कन्वर्ट होगा ओ माइनस में। थोड़ा इसके कन्फिगेशन पे आ जाए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कन्फिगेशन लें तो 26, यहाँ वन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सो कन्फिगेशन 27। इस केस में चेंज इन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है -141 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। माइनस क्यों आया, इसका मीनिंग तो क्लियर है क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल स्टेट में आ रहा है। मोर स्टेबल स्टेट में आएगा तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव फॉर्म में आएगी एंड ये क्वांटिटी है 141 किलो जूल। अब ये जो ओ माइनस है, ओ माइनस के बाद अब हमने फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है एंड ये कन्वर्ट हो रहा है ओ टू माइनस में। थोड़ा इनके भी कॉन्फिगरेशन को देखें, ओ माइनस 27 एंड ओ टू माइनस 28, तो ये और भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इसे हम बोलेंगे H2, जो फर्स्ट केस में था इसको हम बोल रहे हैं H1 एंड सेकंड केस वाले को क्या बोल रहे हैं, H2 बोल रहे हैं। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी इस पे विचार करें, कैसे कर रहे हैं, ये नेगेटिव स्पीसीज है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव स्पीसीज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उस
एटम के अंदर एंटर नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए आउटसाइड सोर्स से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आउटसाइड सोर्स से हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो वैल्यू होती है पॉजिटिव प्लस 780 किलो जूल मोल इनवर्स, इस टाइप से वो वैल्यू आएगी। मतलब इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव आती है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव क्यों है, तो रीजन आपने बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम आउटसाइड सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव आती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दीज एंथैल्पीज आर कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ये अब हम आते हैं फैक्टर्स पर कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट कर रहे हैं। एंड फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, नंबर वन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम यदि हाई है यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी हाई होगी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इजीली अट्रैक्ट करेगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी का लिबरेशन होगा, तो इस टाइप से हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें मिलेगी। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट होगा, एटॉमिक साइज देखिए जितना बड़ा होते जाएगा, जैसे मान लीजिए इस केस में चल रहा है लार्जर साइज यदि है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि साइज काफी बड़ा है, न्यूक्लियस अंदर है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, तो ये न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली उतना फर्मली इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो लेस अमाउंट में एनर्जी का लिबरेशन होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि साइज जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। तो इस तरह से ये हमारे टू फैक्टर्स थे। इसमें हम चाहें तो एक फैक्टर और भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट वो फैक्टर लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स कुछ ही एलिमेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए नोबल गैसेस में क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, जैसे नियॉन एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 2H। नोबल गैसेस के सिचुएशन में जब इनका ऑक्टेट पूरा है तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो हम आउटसाइड सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब आउटसाइड सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, तो रीजन हमने बताना है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी भी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। तो इस टाइप से ये हमारा थर्ड फैक्टर भी हो सकता है। फिर आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, मतलब वेरिएशन इन पीरियड कैसा होगा एंड वेरिएशन इन ग्रुप किस टाइप से होगा, उस पर हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वेरिएशन इन पीरियड्स पर कि पीरियड में हम किस टाइप से वेरिएशन लें। वेरिएशन इन पीरियड मान लीजिए हमने लिया है सेकंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोरीन, ये हमारा सेकंड पीरियड है। एंड पीरियड में आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी। किस केस में, फ्लोरीन के केस में, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में मिलेगी, लिथियम में मिलेगी, वो आप जानते ही हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती, क्योंकि ये मेटल्स होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज हमें किस में मिलेगी, नॉन मेटल्स में मिलेगी, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसलिए पीरियड में राइट साइड में यदि हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें ज्यादा मिलेगी।
ये फर्स्ट था हमारा वेरिएशन इन पीरियड। अब हम आते हैं वेरिएशन इन ग्रुप में, कि ग्रुप में किस टाइप से चेंज आएगा। एंड वेरिएशन इन ग्रुप में हम चल रहे हैं ग्रुप नंबर 17 में, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज देखिए इंक्रीज होते जाता है, लाइक दिस, ये साइज इंक्रीज हो रहा है। और फैक्टर में हमने देखा साइज जितना बड़ा होगा उतनी कम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब इस ट्रेंड के बेस पे देखें तो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए एंड क्लोरीन की उससे कम मिलना चाहिए। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लो होती है क्लोरीन की कंपैरिजन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। तो इसमें भी ट्रेंड समझ रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से चले तो फ्लोरीन की हाई मिलना चाहिए, बट एक्चुअल केस में किसकी हाई मिलती है, क्लोरीन की हाई मिलती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन हम देते हैं फ्लोरीन का स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अच्छा ये तो कंफर्म है आपको, क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका साइज स्मॉल है, फ्लोरीन का साइज। अब साइज स्मॉल होने का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या रिलेशन है? जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में टू शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, और उसका साइज स्मॉल है। आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरह से शो कर दिए, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ये आने वाला है, इसके अंदर एंटर होने वाला है। साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जब वो रिपल करेंगे तो न्यूक्लियस उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ उतना अट्रैक्शन फोर्स में नहीं रह पाएगा जितना उसे रहना चाहिए। यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है किन किन के बीच में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। उस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। बट यही सेम सिचुएशन क्लोरीन के साथ रहेगी, बट उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज रहेगा। ऐसा क्यों? क्लोरीन में देखिए साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने से मीनिंग ये है कि उसमें 3 शेल्स हैं, इस टाइप से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शेल्स ले ली एंड इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया हमने, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं और इसमें भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अब साइज बड़ा होने से आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन दोनों में ही, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। साइज बड़ा होने से वो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो न्यूक्लियस के पास चांस होगा कि इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर ले, वो अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए। तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में क्या मिलेगा, कम मिलेगा, किसकी कंपेरिजन में, फ्लोरिन की कंपेरिजन में। तो फ्लोरिन में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कौन सा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का, यह हमें ज्यादा मिलता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम मिलती है और क्लोरीन के केस में ज्यादा मिलती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा वेरिएशन इन ग्रुप्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप शायद पढ़े हैं क्लास 10th में, पर एक बार और प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और थोड़ा पीरियड्स में देख लेते हैं कि पीरियड में किस टाइप का ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की एटम की प्रॉपर्टी है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल लाइक HCl, ये HCl का मॉलिक्यूल है और इसमें H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7th इलेक्ट्रॉन से, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएं तो इस टाइप से बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका 7, तो इसके 1 में क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई है। शेयरिंग होने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोरीन की एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अभी शेयरिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि
कि हाइड्रोजन के लिए भी 50% पार्टनरशिप है, क्लोरीन के लिए भी 50% पार्टनरशिप है, बट क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब थोड़ा सा पावरफुल है, तो क्या करता है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है, और जब शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जैसे हम बोलते हैं माइनस डेल्टा, एंड हाइड्रोजन जो होता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर नेगेटिव क्यों का है, क्योंकि इसने शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट किया और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी चीज जनरेट होगी, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए ये डेल्टा लिया, तो ये भी हमारा क्या है डेल्टा है। तो यहाँ टू पोल्स का फॉर्मेशन हो गया, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, यही हमारा डाइपोल मॉलिक्यूल होता है। डाइपोल से मीनिंग है टू डिफरेंट पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। डेल्टा का मीनिंग है पार्शियल चार्ज, पार्शियल से मीनिंग है फ्यू चार्ज, कम चार्ज, लेस चार्ज, इसी को हम बोलेंगे पार्शियल चार्ज, फुल चार्ज नहीं है। फुल चार्ज कैसे होता है, लाइक NaCl, NaCl में देखें Na प्लस एंड Cl माइनस, टू आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, बट यहाँ जो नेगेटिव आयन है ये 100% नेगेटिव आयन है, यहाँ जो पॉजिटिव आयन है ये 100% है, मतलब फुल चार्ज है इसमें, बट यहाँ चार्ज कैसा है पार्शियल चार्ज है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पाउलिंग ने एक स्केल दी है जिसे हम बोलते हैं पाउलिंग स्केल, ध्यान रखेंगे पाउलिंग है ये, पाउली अलग थे, पाउली प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में वो अलग था, ये पाउलिंग स्केल है। पाउलिंग स्केल के बेस पे चले तो जो फ्लोरीन एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड इसकी वैल्यू होती है हमारी 4.0, एंड 4.0 की कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू है 4.0, मतलब पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो फ्लोरीन है, एंड सेकंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, एंड इसकी वैल्यू होती 3.5। तो ये वैल्यूज भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बाद फिर रेस्ट एलिमेंट्स हमारे आते हैं। फिर आते हैं फैक्टर्स पर, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट हम कंफर्म करें, इसमें डिफरेंट स्टेट होती है, जैसे sp, sp2, sp3, ये डिफरेंट टाइप की स्टेट हमें मिलती हैं। इनका मीनिंग क्या है, पहले हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा कंफर्म करें। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। sp का मतलब है 1s एंड 1p ऑर्बिटल को मिक्स किया है, sp2 1s एंड 2p ऑर्बिटल को मिक्स किया है, sp3 1s एंड 3p ऑर्बिटल को मिक्स किया है, और न्यू ऑर्बिटल्स का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, वो कंसेप्ट में देखें। अभी तो हम sp sp2 sp3 ये स्टेट्स हमने कंफर्म कर ली, ये कहाँ यूज होंगी उसको देख लेते हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, कैसे उसको कंसेप्ट में देखें। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एंड सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में भी अपन देखें तो ये जो कार्बन एटम है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाकी तो सभी जगह एक ही जैसा कार्बन है, बट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होने की वजह से sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये कंपैरिजन हो गई है। और इसके बीच में जो sp2 आएगा तो उसकी वैल्यू इन दोनों के इंटरमीडिएट रहेगी। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट फैक्टर। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पर। सेकंड फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको भी आपको क्लियर करना है, पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, बट अभी इसको कंफर्म करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब नॉर्मली वैलेंसी आप समझ लीजिए, मतलब ये वैलेंसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे आयरन ले लें, आयरन की हमारी टू वैलेंसी मिलती है, Fe2+ एंड Fe3+।
Fe2+ को हम फेरस बोलते हैं, Fe3+ को हम फेरिक बोलते हैं, ये हम जानते हैं। यहाँ वैलेंसी 2 है, यहाँ वैलेंसी 3 है, ये भी हम जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाएगी तो यहाँ +2 है और यहाँ पर +3 है। Fe2+ Fe3+ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट है। Fe2+ की वैल्यू आती है 1.83 एंड Fe3+ की वैल्यू आती है 1.96। अब ट्रेंड देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर का इफेक्ट पड़ता है। रिजल्ट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ेगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस टाइप से हमारे फैक्टर थे, दो फैक्टर। अब आते हैं ट्रेंड्स पर। ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले चलते हैं वेरिएशन इन पीरियड में, कि पीरियड में किस टाइप का वेरिएशन होगा। वेरिएशन इन पीरियड एंड पर्टिकुलरली हम पीरियड नंबर 2 ही ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लास्ट वाले को छोड़ रहे हैं, नियॉन गैस को, नोबल गैसेस की। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखिए राइट साइड में क्या है, कौन है, फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मीनिंग ये होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड वेरिएशन इन ग्रुप्स में। यदि हम चले तो क्या होगा, तो ग्रुप में हम ग्रुप 17 ही ले रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ग्रुप में डाउन भी ग्रुप जा रहा है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब बड़ा क्लियर है, डाउन दी ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से था ये वेरिएशन इन ग्रुप। इसमें कहीं कोई ज्यादा एक्सेप्शन केसेस नहीं है, क्लियर है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, डाउन दी ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। तो ये थी हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।